ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। थैंक यू सो मच पापा हमें इतना प्यार करने के लिए। आइए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। और उदी के बारे में मैं जैसे कि पहले भी आपको बोला था, अगर ज़्यादा परेशानी हो तो उदी को अपने हाथ में रखकर 11 वचन पढ़ने के बाद उस उदी को या तो आप जल में डालकर पी लें, नहीं तो सूखी खाने चाहते हैं, अगर आपको सूखी अच्छी लगती है तो सूखी खा लें। पहले अपने मस्तक पर लगाएं और उसके बाद उसको ग्रहण करें, ठीक है। अब मानने वालों के लिए तो ये एक औषधि से भी बढ़कर है, और जो ना मानेंगे उनको ये फ़ायदा नहीं करेगी, क्योंकि भाव बहुत ज़रूरी है, खासकर बाबा की पूजा के लिए, क्योंकि जैसा आपका भाव वैसा साई करेंगे चमत्कार, ठीक है। चमत्कार होते हैं आपके विश्वास से, भगवान नहीं आते करने के लिए। आपका जितना दृढ़ विश्वास होता है, चाहे इंसान पे कर लो या भगवान पे, आपको वैसा ही फल मिलता है, ठीक है। इसलिए उदी नहीं है तो आपके घर पे ही जो अगरबत्ती आप लगाते हैं, धूप की उदी नहीं लेना, अगरबत्ती की उदी लेना आप, ठीक है। अगरबत्ती की जो राख निकलेगी उसको अपने मस्तक पर लगा लेना, हो सके तो थोड़ी सी खा लेना, आपको आराम मिल जाएगा। हाँ, आप खाते वक्त ये मत सोचना कि आप अगरबत्ती की राख खा रहे हो, आप ये सोचना कि ये देवा ने आपके लिए उदी भेजी है और आप शिरडी की उदी ही खा रहे हो, शिरडी की उदी ही ले रहे हो, ठीक है। आपके सोचने मात्र से वो शिरडी की उदी भी बन जाएगी। बात सिर्फ भाव की है, जैसा मैंने पहले भी कहा, अपना भाव रखना, साई आपको देने में कभी देरी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, ठीक है। तो आइए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। उदी ले लेना, बाबा भला करेंगे। आज की प्रार्थना जिन लोगों के लिए की जा रही है उनके नाम मैं बोलूँगी, और आप सभी मेरे साथ मिलकर उन सभी के लिए दुआ करना। और मालिक से यही कहूँगी कि जो लोग नहीं बताते हैं अपनी परेशानी किसी दूसरे व्यक्ति को, उनका सबसे पहले भला करना, क्योंकि ऐसे लोग जो दूसरों के लिए सबसे पहले सोचकर अपने लिए नहीं सोचते हैं, आपसे ज़्यादा भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप बाबा को बहुत प्यारे हैं। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। तो आज जिनके लिए प्रार्थना की जा रही है उनके नाम है किरण जी, बच्चा चुनमुन, बच्ची रिया, रजनी गुप्ता जी, दीपक दास जी, बिंदिया जी विद फैमिली, करण वीर सिंह जी, दामिनी जी, तरुण जी, जस कुंवर जी, रॉली मिश्रा जी एंड ऑल फैमिलीज। बाबा सब पर रहम करना, सब तेरे बच्चे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं तेरे हैं, बस इतना जानते हैं। आइए 11 वचन पढ़कर प्रार्थना संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, सबका भला करना, सब पर रहम करना, आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम साईराम, जय साईराम।